हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों अपराजिता। तो इस पाठ जो बच्चों आपको 2024 में नई किताब दी गई है, ये उसी किताब का सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इस पार्ट का जो बच्चों पहला प्रश्न है वो है, इस पार्ट में अपराजिता किसे कहा गया है? तो इस पार्ट में डॉक्टर चंद्रा जी को अपराजिता कहा गया है। दूसरा, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो ये संस्मरण में है। तीसरा है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो उनकी जननी यानी माँ का था। पाँचवा प्रश्न है, वह कमज़ोर है डैश साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त तो वाक्य बनेगा? परंतु। अब बच्चों जो प्रश्न है वो खाली स्थान वाले हैं, तो पहले खाली स्थान में आएगा गोरापंत, दूसरे में आएगा लखनऊ, तीसरे में आएगा माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें आएगा विस्मयदी बोधक, और इसमें आएगा पच्छाधान, पच्छाघात है ये, सॉरी। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका ने पाठ के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा कटने पर साहस थम गया है। प्रश्न क्रमांक 12 है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए? तो अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न क्रमांक 13 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 14 है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण के से आप प्रभावित हैं? तो इसका उत्तर है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला, ये गुण ने मुझे प्रभावित किया। प्रश्न क्रमांक 15 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को दिव्यांगना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी अपने धैर्य और साहस था, इसलिए उन्हें दिव्यांगना कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 16 है, साहसी जननी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि वह 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। प्रश्न क्रमांक 17 है, इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि अपराजिता का अर्थ कभी हार नहीं मानना वाला होता है। डॉक्टर चंद्रा ने हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा किया, और उनकी माता टी सुब्रमण्यम ने भी हार नहीं मानी, इसलिए पाठ का शीर्षक अपराजिता रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 18 है, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में एक दिन स्वयं ही गति आ गई थी। प्रश्न क्रमांक 19 है, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा अद्भुत साहसी जननी टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ। मैं जब प्रश्न क्रमांक 19 है, 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख कर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता, इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए? तो इसका उत्तर है, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर तक ताकते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।